हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग को J7 2016 में जो VoLTE और वाईफाई कॉलिंग डिसेबल की प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा VoLTE भी ऑन हो चुका है और यहाँ पर मेरा वाईफाई कॉलिंग भी ऑन हो चुका है। इसे मैंने कैसे किया मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोग को फोकस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरा VoLTE ऑन हो चुका है और जहाँ तक वाईफाई कॉलिंग की बात है वो भी मैं आप लोग को फोकस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरा वाईफाई कॉलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि उनका एस बाइक मोड भी इस अपडेट के बाद प्रॉब्लम में आ गया था और यहाँ से डिसेबल हो गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एस बाइक मोड भी यहाँ पर आ चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि मुझे लगा था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो मुझे लगा था कि यहाँ पर आप लोग को पुराना स्टॉक रोम डाउनलोड करना पड़ेगा J7 का, उसके बाद आप लोग को ओडिन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू उसे फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप लोग को नहीं पता कि J7 2016 में क्या प्रॉब्लम हुई है, तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक अपडेट आया था 55.77 MB का, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहां पर दे देता हूं। तो इस अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसे मैंने कैसे सॉल्व किया मैं आइए मैं आप लोग को बता देता हूं। तो मैंने सबसे पहले अपने फोन को यहां पर रिफैक्टरी सेटिंग किया एक बार, तो वहां पर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर से मैंने रिफैक्टरी सेटिंग किया, फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं यहां पर अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट किया। जैसे ही मैं अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट किया, यहां पर मेरा VoLTE इनेबल हो चुका है और मुझे इसमें एक नया फीचर भी मिल चुका है उस 55 MB वाले अपडेट के बाद, जिसे हम बोल सकते हैं रिकॉर्डर। तो मैं आप लोग को कॉल करके दिखा देता हूं सेकंड नंबर में और आप लोग को क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें क्या नया इंप्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को पहले कॉल करके दिखा देता हूं कि यहां पर मेरा VoLTE वर्क कर रहा है। तो ये रहा मेरा सेकंड फोन, मैं इसे यहां पर नीचे रख देता हूं और मैं यहां से कॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हैं माई नंबर 2, मैं इसमें कॉल कर लेता हूं। ये देखिए, तो जैसे मैं यहां पर कॉल करूंगा तो सबसे पहले आप कॉल देख सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ। ये देखिए, और मैं इसे फोकस करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा कॉल आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए मैं इसे नीचे रख देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है, आप लोगों को पता होगा कि अपडेट के पहले आप लोग को रिकॉर्ड का डायरेक्ट ऑप्शन आपके डिवाइस में नहीं मिलता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे सैमसंग की तरफ से। तो चलिए मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ कॉल को। ये देखिए, और आपको मैं डिवाइस के बारे में बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व किया। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको रिफैक्टरी सेटिंग करनी है, तो हो सकता है आप एक बार रिफैक्टरी सेट करें और आपके डिवाइस में VoLTE और जो वाईफाई कॉलिंग का फीचर है वो इनेबल हो जाए। अगर आपका वाईफाई कॉलिंग या क्या नाम से VoLTE इनेबल नहीं होता है यहाँ पर, तो आप लोग को हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ रिफैक्टरी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता तो सिंपली आप लोग को जाना है यहाँ से सेटिंग्स में। तो मैं आप लोग को अच्छे से फोकस करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप चले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग को आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहां पर आपको आना है जनरल मैनेजर में, मैनेजमेंट में। तो जैसे ही आप इसे यहां से ओपन करेंगे तो यहां पे आप लोग को एक रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप लोग को फैक्ट्री डाटा रीसेट में क्लिक करना है और इसे यहां से रीसेट कर देना है अपने डिवाइस को। तो इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये रीसेट करने से पहले आप अपने मेमोरी कार्ड को अपने डिवाइस से बाहर निकाल लीजिएगा, ताकि आपका जो मेमोरी कार्ड का डाटा है वो सेफ हो जाए और आपके जो फ़ोन मेमोरी में जितने भी डाटा हैं और आपके कॉन्टैक्ट हैं, आपके SMS हैं, उनका एक फुल बैकअप ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं लेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें डिलीट हो सकती है। यहाँ से आप रीसेट कर लीजिएगा तो आपका डाटा, मतलब आपका जो डिवाइस है वो रिफैक्टरी सेटिंग में चला जाएगा और कम्प्लीटली आपका जो डिवाइस है वो रिफैक्टरी सेटिंग कंप्लीट कर लेगा। जैसे ये कंप्लीट कर लेगा, आपका VoLTE यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन नहीं होता है तो आप लोगों को सिंपली हार्ड रीसेट करना है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ होम में और मैं यहाँ से अपने डिवाइस को ऑफ कर लेता हूँ। ये देखिए, तो सिंपली मुझे यहाँ से अपने डिवाइस को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद मुझे यहाँ पर पावर की, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए, पावर की, होम की और वॉल्यूम अप, ये तीनों को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। जैसे ही आपका डिवाइस यहां पर वाइब्रेट करके ये स्क्रीन ऑन होगा, आपको पावर की को रिलीज़ कर देना और ये दोनों की को आपको होल्ड करके रखना है। फिर ये वाला स्क्रीन आएगा तो आप अपने सारे की को यहां पर रिलीज़ कर दीजिएगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट यहां पर लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आप वेट कीजिए। यहाँ पर आप नो कमेंट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी की को प्रेस नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर वेट करना है।
तो थोड़ी देर वेट करने के बाद ये देखिए ये विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप लोग को सिंपली करना ये है अप एंड डाउन करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन का बटन यहाँ पर यूज़ करना है, और सेलेक्ट करने के लिए आप लोग को पावर का की का बटन यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो आप लोगों को सिंपली आना यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, ये देखिए इस वाले ऑप्शन में, ये देख सकते हैं आप, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए, और यहाँ पर यस कर देना है और आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप लोग को जस्ट वहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइप वाइप कैश पे आपको नीचे आना है, यहाँ पर ये देखिए फैक्ट्री रीसेट के जस्ट नीचे, और आपको इसे भी यहाँ से सेलेक्ट करके यस कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। जब ये दोनों ही चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा रिबूट सिस्टम नाउ, यहाँ पर आना है और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर वेट करना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए अब यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो इतने ही पार्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। सो फ्रेंड यहाँ पर कंप्लीट सेटअप होने में यहाँ से 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है, तो मैं आप लोग का टाइम बचा पाऊँ इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो को यहाँ पर फास्ट कर दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना पूरा कंप्लीट यहाँ पर सेटअप कंप्लीट कर लिया है, मेरा डिवाइस हार्ड रीसेट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए मेरा व्यू एल टी तो मैंने पहले ही इनेबल कर लिया था, फिर भी आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा व्यू एल टी भी आ चुका है और यहाँ पर मेरा वाईफाई कॉलिंग का फीचर भी आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर बाइक मोड की बात करूँ तो बाइक मोड भी मैं यहाँ से एक्टिवेट आप लोग को करके दिखा देता हूँ, ये देखिए तो यहाँ पर मेरा बाइक का मोड भी आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बस सिंपली आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को रिफैक्टरी सेटिंग करना है। अगर आप लोगों को रिफैक्टरी सेटिंग से नहीं आता है तो आप लोगों को हार्ड रीसेट करना है और आप लोगों का जो वीओ एल टी है वो ऑन हो जाएगा। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने ये अपडेट को नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहले ये वीडियो बना के बता दिया था कि इस अपडेट में एक बग आया है, बग से आप लोग का वीओ एल टी और यहाँ पर कॉलिंग जो है वाईफाई कॉलिंग वो डिसेबल हो जाएगा। तो आप अब अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट करने के बाद आप लोग का वीओ एल टी यहाँ पर जैसे ही डिसेबल होता है आप लोग को सिंपली ये स्टेप फॉलो करना है और आप लोग का जो वीओ एल टी है वो ऑन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा और आप अपने वीओ एल टी को यहां पर ऑन कर पाएंगे। तो आज का अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि बहुत लोगों का जो वीओ एल टी ऑफ है उन लोग को ऑन हो सके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।